अपने आपत्तिजनक ट्वीट के कारण चर्चा में आए कॉमेडियन कपिल शर्मा नचाह कर भी सुर्खियों में आ ही जाते हैं। हाल ही में उनके साथी एक्टर व दोस्त अली असगर ने अपने एक बयान में कहा था कि कपिल की तबीयत ठीक नहीं है। जब वो उनसे मिलने गए थे तब कपिल की आंखें भर आई थी और वो बात कर पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अब कपिल ने इस सब बातों को नकार दिया है। कपिल शर्मा की टीम ने इस पूरे मामले को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कपिल ठीक हैं और वो इन दिनों अपनी मंगेतर गिन्नी के साथ घूम रहे हैं। बयान में कहा गया, हम भी अली के बयान को सुनकर हैरान थे कि उन्होंने ऐसा दुखी करने वाला बयान क्यों दिया। कपिल ने हमेशा अली को अपना दोस्त माना है। आपको बता दें कि अली ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं कपिल से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा तो वो मुझे देखकर कुछ बोल नहीं पाए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि वो हम सबको मिस रहे हैं। अली ने कहा था कि प्रीति भी कपिल को बहुत मिस करती हैं और वो भी काफी डिस्टर्ब रहती हैं। अली ने इस बात का ही खुलासा किया कि कपिल ने अपने हाथ पर प्रीति का नाम लिखा हुआ है। कुछ दिनों पहले कपिल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पिछले कुछ सालों में काफी धोखे मिले हैं जिससे वह काफी टूट चुके हैं। उन्होंने कहा, हम सभी का गुस्सा निकालने का तरीका होता है और मैं अपने गुस्से को गालियों से निकालता हूं। वहीं अगर उनके शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा के बारे में बात करें तो मीडिया में रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को और खुद कपिल को उनके नए शो का फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वे कई शूटिंग कैंसिल कर चुके हैं। कॉमेडियन के इस व्यवहार से चैनल ने इस शो को एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया।